मुंबई में जीएसटी की टीम ने एक और धन कुबेर को पकड़ा है जिसने अपने घर की दीवारों पर काली कमाई छिपा कर रखी थी। घर में इतना कैश इकट्ठा था कि आयकर विभाग को गिनने में 6 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। घर की दीवारों से चांदी की ईंटें भी बरामद की गई हैं। दरअसल महाराष्ट्र जीएसटी डिपार्टमेंट को मुंबई के झावेरी बाजार में एक सर्राफा कारोबारी के टैक्स चोरी की खबर मिली थी। कारोबारी कुछ ही दिनों में बेहद दौलतमंद हो गया था। दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रही दौलत की वजह से कारोबारी जीएसटी की राडार पर आ गया था। सर्राफा कारोबारी चामुंडा ने साल 2019 और 20 में अपना टर्नओवर 22,83,000 रुपए दिखाया था। अगले साल यानी 2020 और 21 में ये कारोबार बढ़कर 652 करोड़ रुपए हो गया था। रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2021 और 22 में चामुंडा ने अपना कारोबार 1,764 करोड़ रुपए दिखाया। टैक्स चोरी की आशंका होते ही अधिकारियों ने 16 अप्रैल को झावेरी स्थित कारोबारी के ठिकाने पर छापा मारा, जिसके बाद पता चला कि जीएसटी डिपार्टमेंट का शक सही था। कारोबारी ने अपने बिजनेस को लेकर जीएसटी टीम को अंधेरे में रखा था। जीएसटी की टीम को कारोबारी के ठिकाने से 9,78,00,000 रुपए बरामद हुए हैं, जिसे दफ्तर की दीवारों में छिपा कर रखा था। जीएसटी टीम ने दीवार तोड़कर पैसा बरामद किया, साथ ही चांदी की ईंटें भी मिली जिसकी कीमत करीब 13,00,000 रुपए बताई जा रही है। जिस ठिकाने पर जीएसटी की टीम ने छापेमारी की उसके मालिक से पूछताछ की गई तो उसने किसी जानकारी से इनकार किया। 4 दिन चली कार्रवाई के बाद टीम ने दफ्तर को सील कर दिया है, साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे दी गई। आयकर विभाग के अधिकारियों ने कैश को अपने कब्जे में लेकर गिनना शुरू किया तो पूरे कैश को गिनने में 6 घंटे का वक्त लगा। वहीं कारोबारी गिरफ्तारी के डर से कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने पहुंच गया है। अब कारोबारी से कमाई का स्रोत जानने के लिए आयकर के अधिकारी लगे हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र जीएसटी की टीम अपने स्तर पर इस मामले की अग्रिम जाँच कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।